लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं इस वक्त बीएसपी मार्केट में खड़ा हूँ और आज राखी। साथियों, राखी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले राखी रक्षा बंधन शब्द से बना है और रक्षा और बंधन ये दो शब्द संस्कृत के शब्द हैं। इसका इतिहास अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका इतिहास भारत में 300 BC से शुरू होता है और ये इसकी शुरुआत हुई थी जब अलेक्जेंडर ने भारत में आक्रमण किया था। शुरू करके एक सम्राट थे, शुरू एक राजा थे, बहुत बलशाली राजा कहे जाते थे भारत में, और उनसे डर था अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर की जो पत्नी थी उन्होंने फर्स्ट टाइम राखी गुरु को भेजा था कि आप मेरे पति को जान से मत मारना, युद्ध करेगा तो जान से नहीं मारना। और उस राखी को एक्सेप्ट किया गुरु ने और अलेक्जेंडर को नहीं मारा, हराया जरूर लेकिन मारा नहीं। तो ये जो पर्व है, ये पर्व भाई बहन का एक पर्व माना जाता है। हालांकि कई जातियों में पति पत्नी भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, उसके पीछे रीज़न रहता है। राखी का मतलब होता है रक्षाबंधन, जो रक्षा करने वाला होता है। पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है, भाई भी बहन की रक्षा करता है। तो ये रक्षाबंधन का एक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाहता था। उसके अलावा हम लोग BSP मार्केट में आए हैं, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी लोगों में यहाँ उल्लास खुशी देखी जा रही है, इस पर्व को मनाया जा रहा है। और ये पर्व भारत में नहीं, भारत के अलावा और भी नेपाल और एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि राखी में उनका क्या किस प्रकार से वो राखी मना रहे हैं। उसके अलावा दुकानदारों से बात करेंगे यहाँ कि उनका राखी में किस तरीके से खरीदारी लोगों ने करी, लोगों के अंदर में उत्साह है कि नहीं है, किस हिसाब से चल रहा है मार्केट। आइए, इस वक्त हम एक शॉप में हैं जो राखी का है, तो भैया से जानने का प्रयास करते हैं। भैया, आपका नाम? अमित अग्रवाल। तो कितने साल से आप लोग राखी यहाँ रख रहे हैं? 30 साल हो गए भैया। बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना में थोड़ा हल्का फुल्का लोगों में उत्साह राखी को लेके हो गया, थोड़ा बहुत कम था। अभी खुला है कि अभी खुल गया? अच्छा, मार्केट अच्छा था, बारिश की वजह से थोड़ा एक दो दिन परेशान थे, मगर मार्केट बहुत अच्छा है इस बार। अभी बनवा ली राखी? नहीं, हम लोग राखी नहीं बनाते, बाकी मार्केट बहुत अच्छा था राखी का। राखी की एक दुकान है वहाँ सर है जो राखी बेच रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं थोड़ा, राखी में क्या हाल चाल है। नमस्ते सर, सर नाम आपका? ये कोरोना के बाद से सर पहली या दूसरी राखी है? तो कोरोना के बाद से क्या अंतर पड़ा है, लोगों में उत्साह में कुछ अंतर पड़ा है? रिकॉर्डिंग आ रहा है, आनंद है और सबके उत्साह बहुत ज़्यादा है। आप भी राखी बनवा ली है? ये तो समय का इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है, रक्षाबंधन का दिन का जो समय है वो असम मान्य ही है। भाई बहनों का प्रेम है, इसमें गणना का वो नहीं है, भाई बहनों का प्रेम है, इसलिए समय की बातें करें। दुकान आप कितने साल से लगा पंद्रह सोलह साल मार्केट खड़े हैं और सेक्टर 6 ई मार्केट में जो राखी के व्यापारी हैं उनसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्या हाल है अभी राखी की, इस बार कोरोना के बाद क्या हाल है। दस रुपये आपका नाम? रजनीश सिंह। कितने साल से आप राखी का ये रख रहे हैं? 20 साल से। इस बार कोरोना के मुताबिक, कोरोना जो हुआ है 1.5-2 साल में हुआ है, कोरोना के बाद से इस बार कैसा रहा? अच्छा, बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, लोगों में उत्साह है, लोग खरीद रहे हैं, रखी ठीक है, कोरोना से बहुत। तो दोस्तों, आज हम लोग रिसाली सेक्टर 6 ई मार्केट, इस तरीके से अलग अलग दुकानों में हम लोग गए और वहाँ जानने का प्रयास करें लोगों में रक्षाबंधन को लेकर के। इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है, व्यापारी भी काफ़ी खुश थे वहाँ, और लोगों से भी जानने का प्रयास करें। उसके अलावा हमने बताया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत खुशी के साथ राखी बनाए हुए हों। आज के लिए, इस राखी के रिपोर्ट के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, अगर आगे फिर और भी इस तरीके की रिपोर्ट
आप लोग के सामने मैं लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन मजर खान के साथ मैं शिव कुमार सिंह, नमस्कार दोस्तों।